अमन क्लॉथ हाउस, हमारे यहाँ आपको ब्रांडेड कपड़ों की पूरी रेंज मिलेगी। इसी के साथ आपको मिलेंगे शूटिंग शर्टिंग, तहमत, तौलिया, गमछा और एहराम के कपड़े। मनचाहे सैकड़ों ब्रांड, हजारों कलर्स और बेहतरीन क्वालिटी के लिए हमारे शोरूम पर आइए। हमारा पता है अमन क्लॉथ हाउस, डाकखाना चौराहे के पास, पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से बड़ी खबर, नगरपालिका पर लगे संगीन इल्जाम। सरकारी धन में बंदरबांट करने का लगा इल्जाम। 3 महीने बीतने के बावजूद नहीं शुरू हुई जांच। एलईडी बल्ब घोटाले में खुलासा ना होने से सभी परेशान। 85,25,000 की हुई थी हेराफेरी। मोहल्लों को रोशन करने से पहले ही हुआ घोटाला। जांच टीमों पर उठे सवाल। सुल्तानपुर नगरपालिका का है मामला। सुल्तानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकारी एलईडी बल्ब की खरीदारी में हुए घोटाले और उसकी जांच में हो रही लापरवाही से नगरपालिका पर ही सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि एलईडी की खरीद में 85,25,000 की हेराफेरी की गई थी। दरअसल नगरपालिका की ओर से 2400 एलईडी लाइटों की खरीद होनी थी। तय वक्त पर एलईडी की खरीद की गई, लेकिन इसमें लाखों रुपए हजम कर लिए गए। हालात ये है कि खरीदे गए बल्ब कहाँ है इसकी जानकारी भी देने वाला कोई नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर निकाय के तहत शहर विकास के लिए मिले 9 करोड़ के बजट में खेल हो गया। मामले का खुलासा होते ही तत्काल जांच के आदेश जारी किए गए और साथ ही टीमों का गठन भी कर दिया गया, लेकिन 3 महीने गुजरने के बावजूद आज तारीख तक मामले का खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को 13 अगस्त को निलंबित कर दिया गया। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।